किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं, आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति हो, परम पिता परमेश्वर से हमारी यही कामना है। साथियों मैं अमित महला, तहसील लोहार और डिस्ट्रिक्ट भिवानी हरियाणा का स्थायी निवासी हूँ और आज दिनांक 2 सितंबर 2023 है और आज भी हम कुछ महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आप लोगों के बीच में हाजिर हुए हैं, उसके बारे में जानकारी हम आपको देंगे परिपूर्ण रूप से। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा। साथियों वैसे तो हम आपसे कभी कुछ मांगते नहीं हैं, कभी कुछ लिया नहीं है, लेकिन एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूँगा कि जो साथी नए इस चैनल पर आए हैं या जो साथी पहले से इस चैनल पर थे, उन साथियों से निवेदन यह है कि बेल आइकन घंटी को दबा के आल पर अवश्य क्लिक कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन और आने वाले हर लाइव प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसमें बेनिफिट आपको ही होगा, आपको इसलिए होगा क्योंकि आपको किसी विशेष वीडियो के लिए, किसी विशेष जानकारी के लिए शायद आप ये कार्य अगर कर लेते हैं तो आपको फोन कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो भी जानकारी यहां से आपको दी जाती है मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो वो तकरीबन जानकारियां जो है वीडियो में बताई जाती है, लेकिन हमसे चूक ये होती है कि हम उस वीडियो को नहीं देख पाते हैं या उस वीडियो की कोई जानकारी हमें नहीं होती है, उस वजह से ये दिक्कत हमारे सामने आती है। तो अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा लीजिए, अगर आप ऑलरेडी चैनल पर हैं तो ये अवश्य चेक कर लीजिए कि बेल आइकन घंटी को दबा के आपने ऑल पर क्लिक किया हुआ है या नहीं। तो साथियों वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम जो बात आप लोगों के बीच में करेंगे वो एंजाइम्स घोल के बारे में बातचीत करेंगे। एंजाइम्स का घोल क्यों महत्वपूर्ण है और एंजाइम्स का घोल किस लिए बनाया जाता है और इसको एंजाइम्स के घोल को कैसे हम बनाते हैं, ये प्रैक्टिकली हम आपको दिखाने वाले हैं किस तरह से हम इसको तैयार करेंगे कल के पार्ट में, और कितने प्रकार के बीज की हमें यहाँ आवश्यकता पड़ेगी वो मैं जानकारी इस वीडियो में आज दे दूंगा आपको, और उसके साथ साथ आपको क्या चीजें और चाहिए जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है उसके बारे में भी हम आपसे पूछेंगे, और उससे संबंधित जो भी होगा कैसे बनाएं, कैसे तैयार करें, वो सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आपको बताई जाएंगी। सबसे पहले तो एंजाइम्स का घोल जो होता है, एंजाइम्स का घोल बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, हम कुछ साथी इसको बना नहीं पाते हैं। आज मार्केट में अगर आप चले जाएं एंजाइम्स के घोल लाने के लिए तो एंजाइम्स के घोल की लाखों लाखों रुपए कीमत है, हजारों में कीमत है, लेकिन वो उनके अंदर वो चीज नहीं है जो आप बनाते हो, या उनके अंदर वो एंजाइम्स नहीं है जो आपके एंजाइम्स में होने चाहिए, वो उस एंजाइम्स के अंदर वो तत्व नहीं है जो आपके में, जो आप बनाएंगे उसके अंदर मिलेंगे, क्योंकि वो सारी चीजें आर्टिफिशियल हम कह सकते हैं उसको, दिखाने के लिए बहुत कुछ उसके ऊपर लिखा हुआ है लेकिन प्रैक्टिकली अगर फील्ड की हम बात करें तो उतना परिणाम नहीं दे पाते वो एंजाइम्स, जो कि हजारों लाख रुपए के तो आते हैं, जो एंजाइम आप बनाओगे उसके जो परिणाम आपको मिलेंगे, क्योंकि माननीय चंद्रा जी ने पहले ही इस बारे में एंजाइम्स के बारे में जानकारी आप लोगों को दे चुके हैं, एंजाइम्स का घोल कैसे आपको बनाना है। काफी साथियों ने उस वीडियो को नहीं देखा है लेकिन आज हम प्रैक्टिकली आप लोगों के बीच में कल के पार्ट में प्रैक्टिकली हम आपको बताएंगे कि ये बीज किसका है, ये कैसे आपको सोइंग करना है और कितने दिन के बाद इसको आपको एंजाइम्स के लिए रेडी होगा, इस विषय पर पूर्ण जानकारी हम आप लोगों के बीच में साथियों शेयर करेंगे। सबसे पहले तो एंजाइम्स के लिए जो आपको जरूरी चीजें हैं वो आपको तैयार कर लेनी है। एक तो 13 से 14 प्रकार के कोई भी सीड आप ले सकते हैं, 13 से 14 प्रकार के सीड आपको लेने हैं, जैसे कि चना बात करें, गेहूं की बात करें, बाजरा की बात करें, मूंग की बात करें, मोठ की बात करें, या जवार की बात करें, या गेहूं के अंदर भी 2-3 वैरायटियां, चने की बात करें, सरसों की बात करें, सोयाबीन और की बात करें, तिलहनी में जैसे आ जाता है हमारा काफी जो सूरज सनफ्लावर सूरजमुखी के सीड्स की बात करें, ये सारी चीजें जो है वो हम एंजाइम्स के अंदर उन चीजों को ऐड करने जा रहे हैं, एंजाइम्स के घोल बनाने में उन चीजों को हम ऐड करेंगे। दूसरा इसके लिए आपको क्या जरूरी है, जो आप के आसपास हो या जैसे आप उन बीजों को कहाँ सोविंग करने जा रहे हैं, उन बीजों को कहाँ लगाने जा रहे हैं, क्योंकि इस एंजाइम्स के घोल में जो मिट्टी आप लेंगे वो मिट्टी भी आपके लिए किसी माइक्रो राजा से
कम नहीं होगी। जब आपका एंजाइम्स का घोल उसमें 2-3 बार बन जाएगा तो उसके अंदर इतनी मात्रा में माइक्रो राजा होगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जिस माइक्रो राजा को लाने के लिए हमें पता नहीं कहां का चक्कर काटने पड़ते हैं और जिस माइक्रो राजा को खेत में डालने के लिए कितनी कंपनी बायो फर्टिलाइजर कंपनियां जो हैं वो मार्केट में बैठी हुई हैं फन फलाए कि कब कोई फार्मर आए और उसको तुरंत हम काटे। तो ये सारी चीजें आप घर में बना पाएंगे, केवल टू केवल ये आपका एंजाइम्स का गोल नहीं होगा, इसके साथ साथ एक अमृत मिट्टी भी आप बना पाएंगे। और वो मिट्टी जिसके अंदर इतनी ज्यादा पावरफुल होंगी, इतनी ज्यादा पावरफुल मिट्टी होगी जिसको आप कहीं भी डालेंगे, फोलियो स्प्रे में यूज करेंगे, पानी के साथ आप चलाएंगे, भूमि पर उसको आप डालेंगे, तो उसके परिणाम बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अविश्वसनीय परिणाम आपको साथियों मिलने जा रहे हैं, जिसके बारे में हमें आगे इस पर चर्चाएं करनी है। एंजाइम्स के घोल के ऊपर 3 से 4 वीडियो आप लोगों के बीच में शेयर हम करेंगे ताकि एक एक जानकारी हम आपको दे पाए, क्योंकि महत्वपूर्ण चीजें, महत्वपूर्ण एंजाइम्स का घोल होता है जिसकी केवल टू केवल प्रति एकड़ अगर हम बात करें तो 100 से 200 अमल की ही आवश्यकता वन टाइम एक टाइम के लिए होती है। अगला जो है तीसरा जो उसके लिए कोई भी ट्रे इत्यादि आप बाजार से ले सकते हैं, ट्रे इत्यादि नहीं ले सकते हैं तो आप जो मकानों में ईंट उपयोग लाई जाती है, जिस ईंट का उपयोग हम करते हैं उससे भी आप कॉलम वाइज बना सकते हैं, जैसे कि बात करें 2x1 का या 2x3 का जैसे कॉलम बना लीजिए, या 2x2 का या 1x1 का बना लीजिए थोड़ी दूरी में अगर आपको सोविंग करना है तो। और जो सीड आप लेंगे, सभी सीड 200 से 250 ग्राम के सीड आपको लेने हैं, कोई ज्यादा कॉस्टली नहीं है, मुश्किल से अगर आप बात करें तो 100 से 200 रुपए की सीड आसानी से आपको मिल जाएंगे। और जो एंजाइम्स का घोल आप जो प्राप्त करेंगे उनसे वो लाखों रुपए का एंजाइम्स का घोल बनेगा। चौथा जो है उसमें तरल वेस्ट डिकम्पोजर आपके पास होना चाहिए, हनेंसर की बोतल आपके पास होनी चाहिए। तरल वेस्ट डिकम्पोजर जिसके बारे में ऑलरेडी हम काफी बार आपको पहले भी बता चुके हैं, तरल वेस्ट डिकम्पोजर की ये बोतल है जैसे OWDC जो 150 रुपए की बोतल है, ये आपके पास होनी अति कंपलसरी है, क्योंकि हम बीज उपचारित भी इससे करेंगे, अमृत मिट्टी जो बनाएंगे उसके अंदर भी इसका सोल्यूशन हम डालेंगे, और कोई भी अन्य जो कार्य करेंगे उसको जल्दी ग्रो करने के लिए करेंगे तो वो इसके माध्यम से हम तैयार करेंगे। अगला उत्पाद जो है हमारा हनेंसर, जिसको गाढ़ा गौमूत्र भी बोलते हैं, माने चंद्रा जी ने इसके बारे में काफी बताया है कि कल के वीडियो में माने चंद्रा जी ने बताया था कि ये आपकी काया पलटने वाला अनेंसर होगा, क्योंकि आपने आज तक इस अनेंसर के बारे में ज्यादा जानकारी आपने शायद लेने की कोशिश नहीं की, क्योंकि आपने सोचा कि ये वैसे ही है, वैसे नहीं है साथियों, ये इसकी तो कहानी अभी बहुत लंबी है, आने वाले समय में किसी वीडियो के माध्यम से इसकी लैब रिपोर्ट के बारे में भी हम काफी चर्चाएं करने वाले हैं, लेकिन कुछ समय के बाद करेंगे उसके बारे में बातचीत। तो आज का जो हमारा मेन फोकस है, मेन उद्देश्य है, वो एंजाइम्स का घोल बनाने बारे में है। तो आपको 10 से 12 प्रकार के सीड आपको लेने हैं, और तरल वेस्ट डिकम्पोजर आपके पास होना चाहिए, हनेंसर आपके पास होना चाहिए, अच्छी मिट्टी आपको लेनी है। मिट्टी कहाँ से आपको लेनी है वो मैं आपको बता देता हूँ, किसी बरगद के नीचे की मिट्टी ले सकते हैं, किसी जो आपका जो होता है जैसे तालाब होता है, तालाब के किनारे की मिट्टी आप ले सकते हैं, क्योंकि एंजाइम्स का घोल बनाने के लिए जो मिट्टी का आप चयन करेंगे वो ऐसी मिट्टी होनी चाहिए जिसके अंदर कभी भी केमिकल ना डला हो, किसी भी पेस्टिसाइड का उपयोग उसके अंदर ना हुआ हो। अगर उसको आप सही ढंग से अगर एंजाइम्स का घोल बनाना चाहते हैं तो इन चीजों का विशेष रूप से साथियों आपको ध्यान रखना होगा। कल आने वाले पार्ट में हम आपको बताएंगे ये बीज किसके हैं, इस बीज की सोविंग कैसे करनी है, इस बीज को ट्रीट कैसे करना है, इस बीज को कितनी देर सुखाने के बाद इसकी बुआई कर, सभी पर आपकी विस्तार से हम साथियों चर्चाएं करेंगे। तो कोई भी ऐसी चीज आप लोगों के बीच में हम नहीं छोड़ेंगे जिसके बारे में आपको जानकारी ना हो। आज से पहले हमने वर्बली आपको बताया, लेकिन वर्बली समझने में कुछ साथियों को दिक्कत आ रही है, तो हम प्रैक्टिकली उसको दिखा के आप लोगों के बीच में ये वीडियो शेयर करेंगे, 3 से 4 पार्ट इसके बनेंगे। लेकिन मैं फिर आपको बता देता हूं, ये है घोल जो बनेगा वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनेगा, और इस घोल के परिणाम भी आपको मिलेंगे, अविश्वसनीय मिलेंगे, जिसके बारे में आपने कभी साथियों सोचा ही नहीं था। तो आज के पार्ट में इतना ही, आने वाले वीडियो में हम सारी बीजों के बारे में, किस तरह से ट्रीट करने बारे में सभी चर्चाएं आप लोगों के बीच में हम करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, और फिर मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा,
जिन भी किसान साथियों को किसी भी तरह के उत्पाद की आवश्यकता हो, अनेंसर, वेस्टी कंपोजर, एक्सपोर्ट क्वालिटी, फीस अमृत, नेत्र अमृत या पाचक अमृत इत्यादि जिसकी भी आवश्यकता हो, तो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप संपर्क करके मंगा सकते हैं। इस वीडियो से संबंधित कोई भी आपको समस्या आती हो, किसी भी तरह की अगर आपको जानकारी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अवश्य जानकारी ले सकते हैं, समय रहते उसकी रिप्लाई आपको दी जाएगी। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।